ये बहुत सुंदर उपदेश है प्रहलाद महाराज। और सामान्यतः किम विषयोपपादन है, सामान्यतः का दो अर्थ है, श्री भगवान समस्त देहधारियों के समान रूप से हितैषी हैं, सब में हैं। और एक अर्थ है कि ये विषय भोग, विषय उत्पादन, इंद्रियों के जो भोग हैं, इनके उपार्जन में परिश्रम करने की क्या जरूरत है, ये सबके लिए समान है। एक सुअर जिस विषय को पाना चाहता है, यदि मनुष्य उसी को प्राप्त करने के लिए भारी परिश्रम करे तो महामूर्खता है। तो जो भोग मिलना है वो मिलेगा ही, सबको मिलता है, सुअर को भी, श्री ब्रह्मा जी को भी, मनुष्य को भी वो मिलेगा, उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, चिंता नहीं करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि नरक भी जाना होगा तो उसके लिए भारी परिश्रम करना पड़ेगा, नरक जाने के लिए भी भारी परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा बड़ा पाप करना पड़ेगा, और पाप करने के लिए पैसा चाहिए, सुविधा चाहिए। ज्यादातर धनी लोग ही महापाप करते हैं, ये शराब अधिकांश धनियों के कंठ में जाता है, और धनी लोग ही वेश्यागमन आदि करते हैं, वही कसाई खाना रन करते हैं। तो इस संसार के भोगों को प्राप्त करने में बहुत परिश्रम है, ये विषय भोग सबको सुलभ है, बिना पैसे के भी सभी जीवों को, पशु पक्षी, ये क्या विषय उपार्जन करते हैं, क्या कमाते हैं, लेकिन उनको खाने को मिलता है, उनको भी इंद्रिय सुख मिल जाता है। और उसी विषय के लिए यदि मेहनत करे मनुष्य तो यह उसकी दुर्बुद्धिता है। तो ये मनुष्य शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, विषय भोग को जुटाने के लिए, उसको बेचने के लिए, खरीदने के लिए, सब नहीं। संपूर्ण जीवन केवल इसी के लिए है कि हम इसका उपयोग भगवान को समझने में और उनसे प्रेम करने में करें। कभी कभी किसी किसी बच्चे से पूछा जाता है कितना जप करते हैं, तो कहता है एक माला, दो माला। तो उसको ज्ञान नहीं है कि संपूर्ण जीवन भर केवल जप ही करने के लिए जीवन है, समय मिला है, ये पार्ट टाइम का सर्विस नहीं है, ये काम कर लिया एक घंटा हो गया, छुट्टी हो गई। सारा जीवन, यहाँ तक कि जन्मांतर भी, अनेक जीवन तक यही करना है, इसी में आनंद है, सुख है। विषय भोग के लिए शरीर नहीं है, भोगों को जुटाने में बहुत परिश्रम है, और भोगों का चिंतन करने में भी बहुत दुख है। भगवान गीता में कहते यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते, जो भी भोग हैं इस संसार में, ये घर द्वार, कार, बंगला, या अपने स्वजन आदि, ये सब भोग दुख की योनियां हैं, कारण हैं। भोगों के चिंतन में भी बहुत कष्ट होता है, और वे छूट जाएं तब भी कष्ट होता है, और उनमें रहे व्यक्ति फिर भी कष्ट होता है। ये भोग सदा जलाते हैं जीव को। तो इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं किम विषयोपपादन है, विषय के उत्पादन में, अर्जन में और संग्रह में क्या सुख है, कुछ भी नहीं। उनका संग्रह क्यों किया जाए, और संग्रह करने परिश्रम पड़ता है, और परिश्रम मनुष्य करता है खूब, पर उसे सुख मिलता नहीं। वो भोग की वस्तुओं को जुटाता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जुटाने में उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और कोई सुख नहीं मिलता है। तो बेटर है इसके लिए कर्मों का त्याग कर, भौतिक कर्म जो हमें बांधते हैं, दुखी करते हैं। प्रहलाद महाराज बड़े विस्तार से इसको समझाए हैं।